नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के एक रेलवे कॉलोनी है सकूर बस्ती का, वहां पे मौजूद हूं और यहां पे भंडारे का आयोजन किया गया है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, किस अवसर पे भंडारा का चल रहा है यहां पर। पुष्कर जी सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमित कुमार दीक्षित है और रेलवे फेडरेशन से मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, हेडक्वार्टर डिवीजन से, और एक छोटा सा माता रानी का भक्त हूँ और माता रानी के रिगार्डिंग ही नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद नौवीं के दिन हर साल की भांति आज के दिन नौवीं के दिन हम धूमधाम से माता रानी की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद अब शाम तक हमारा भंडारा चलता सुबह से लेकर। कितने लोगों की व्यवस्था की गई इस भंडारे में? व्यवस्था ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले कन्या पूजन होने के बाद घर पे भी व्यवस्था है और रोड पे भी, जो कि शाम तक चलेगा। दोपहर से लेकर शाम तक हमारा भंडारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। जितने भक्त आते हैं, जितने ज़्यादा भक्तों को जितना ज़्यादा प्रसाद वितरण हो हमारे लिए तो उतना ही ज़्यादा गर्व की बात है। प्रसाद में क्या क्या है आपके? प्रसाद में नहीं, माता रानी ने जितनी आस्था दी है आज इतनी है। सब्जी पूरी, शुद्ध देसी घी का हलवा और ब्राह्मणों का भंडारा तो भाई माता रानी का ऐसा ही होता है। और माता रानी ने कभी चाही तो भविष्य में और ज़्यादा इस चीज़ को बड़े स्तर पर भी करेंगे। हाँ, बड़े स्तर पे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूजा अर्चना को भी बड़ा एक बड़ा स्वरूप देंगे और प्रसाद को भी जितना हो, जितनी अपनी क्षमता हो पाएगी भविष्य में उतना ही ज़्यादा उसे विशाल रूप देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। क्या महत्व है इस प्रसाद में? महत्व तो ये है कि बस जब हम पूजा ही शक्ति की कर रहे हैं, वैसे भी हम माता रानी के बड़े अनन्य भक्त हैं, तो ये है जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के बिना निष्क्रिय हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि माँ भगवती का क्या स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है जब ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपनी माँ स्वरूप प्रेम प्राप्त करने हेतु जब स्वर्ग से यहाँ आना पड़ा तो आप जान सकते हैं कि माँ शेरावाली की क्या अब एक अलग ही पराक्रम है, अलग ही छवि है, एक अलग ही ममता का भाव है। तो इस चीज़ की तो हम क्या, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस चीज़ का क्या महत्व है। बस ये कह सकते हैं कि आप बस थोड़ी सी माता रानी पे आस्था की हो, आप थोड़ी सी पूजा पाठ करो और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप जो मांगेंगे माता रानी, आप 2% आप भक्ति करके देखो, आपको 2000% मिलेगी। क्या क्या मिल गया अभी तक आपको पढ़ने से? मुझे सब कुछ मिला है जी, बिल्कुल। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो मन में आस्था की वो चीज़ मुझे मिली। गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा है मेरे ख्याल से, समाज का कोई ही शायद ऐसा वर्ग हो जो मुझे नहीं जानते हो। गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर भी, काउंसलर से लेकर काउंसलर, MLA, MP, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। ठीक है, हम सबसे अपना नम्र भाव रखते हैं मन में, और चाहे किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो झुग्गियों में रहता हो या फिर कोठियों में रहता हो, हमसे सबके प्रति हमारा नम्र भाव है। और ऐसा ही हम चाहते हैं कि माता रानी जितना चाहेगी उतना ही, जितना भाव देंगे हमें उतना ही हम विनम्र होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमें और ज़्यादा क्षमता मिलेगी तो हम इस चीज़ को नहीं, हमारी इच्छा है जितना ज़्यादा होगी उतना ही इसका प्रचार प्रसार करेंगे। दशहरा पे क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में आप लोग दशहरा मनाते हैं? दशहरा में सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छाई की विजय है बुराई पे, तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इतने लार्ज स्केल पे ना जाके आप अगर अपने अंदर की बुराई को ही थोड़ी थोड़ी कम करके कोशिश करें तो मेरे ख्याल से समाज के लिए आप बहुत बड़ा एक उदाहरण सेट कर पाएंगे और समाज को एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ आप मोड़ पाएंगे। सामाजिक काम भी करते हैं आप कुछ? सामाजिक काम बिल्कुल करते हैं जी, बाकी हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे ना, हम इस चीज़ के लिए बोलना चाहते भाई ये है, हमसे जितनी क्षमता हो पाती है, चाहे वो भंडारे की दृष्टि में हो, चाहे कोरोना टाइम में हो, कोरोना टाइम में भी हमने अच्छा अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है, पर जितना है कि अब हमारे वेदों में ये लिखा गया है कि भाई अगर आप धर्म कर्म कोई करते हैं, अगर उसकी व्याख्या करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है आपका पुण्य। तो इस चीज़ के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, जितनी क्षमता है, अगर मेरी 100% क्षमता है तो मैं 110% करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ दीक्षित जी बात कर रहे थे और यहाँ पे भंडारे का आयोजन चल रहा है जहाँ पे लोग इनके
काफ़ी मेहमान वगैरह लोग आ रहे हैं, भंडारा अंदर ले रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।